हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लेट्स लर्न इंग्लिश। हमने ब्लैक बुक की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि जो ब्लैक बुक है उसको कंप्लीट कवर कर ले, चाहे वो इडियम्स हो, फ्रेजेस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, तो उन सभी को हम यहाँ पर इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो हम इस सीरीज़ की एक वीडियो ला चुके हैं जिसमें कि हम जो फर्स्ट 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं उनको कवर कर चुके हैं, और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 100 सब्स्टिट्यूशंस को कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 101। इंटेंशनली स्टार्टेड अ फायर टू डैमेज समथिंग। अगर कोई जानबूझकर कुछ डैमेज करने के लिए फायर लगा दें तो उसको क्या बोलेंगे? आर्सन, यानी कि आग लगाना। आर्सन, यहाँ पे जो आर्सन है ये एक रूट वर्ड है जो कि फायर को डिनोट करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे और भी वर्ड आएंगे, तो यहाँ पे याद रखना है इस रूट वर्ड को, आर्सन से मतलब होगा फायर। ठीक है, नेक्स्ट 102। अ क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी। एक अपराधी जो मतलब कि इलीगल तरीके से किसी प्रॉपर्टी में आग लगा दे तो उसको क्या बोलते हैं? आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट, देखो यहाँ पे फिर से ये वर्ड आया है आर्सन, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? ये फायर को डिनोट कर रहा है, आग को डिनोट कर रहा है। तो आर्सोनिस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? आगजनी करने वाला। नेक्स्ट 103। फियर ऑफ फायर, आग का डर है, उसको क्या बोलेंगे? आर्सन फोबिया। फियर ऑफ फायर, आग के डर को क्या बोलते हैं? आर्सन फोबिया। नेक्स्ट 104। गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स। ऐसा व्यक्ति जो अपने जो आइडियाज़ है या अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से क्लियर वर्ड्स में एक्सप्रेस कर ले उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट, सुस्पष्ट, सुस्पष्ट। नेक्स्ट 105। वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट। ऐसा कोई जो फाइन आर्ट्स की प्रैक्टिस करता हो उसको क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट यानी कलाकार। नेक्स्ट 106। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स। यानी कि ऐसा कोई जो हमारे सामान्य शारीरिक सुविधाएं होती हैं उन सभी को त्याग दे, उनका लाभ ना उठाए, तो वो क्या होते हैं? एसेटिक। एसेटिक, तपस्वी। इनको एक वर्ड और बोलते हैं स्टोइक। ऐसे स्टोइक, स्टोइक भी तपस्वी या साधु ही होते हैं जो कि ये जो सांसारिक सुख होते हैं उन सभी को त्याग देते हैं, तो उनको कौन क्या बोलते हैं? एसेटिक, तपस्वी। नेक्स्ट 107। रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज। किसी चीज को एक कारण के रूप में मानते हुए तो उसको क्या बोलते हैं? एस्क्राइब। एस्क्राइब यानी कि श्रेय देना। नेक्स्ट 108। नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर। ऐसे नेशंस, ऐसे देश जो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे पर निगरानी रखते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एस्कांस। एस्कांस यानी कि संदेह करना, संदेह करना। नेक्स्ट 109। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो हमारी खेती है उसके लिए जो सुटेबल्स हो उसको क्या बोलेंगे? एरेबल। एरेबल यानी कि कृषि योग्य। नेक्स्ट 110। बेस्ड ऑन चांस रादर देन ऑन रीजन और अ प्लान। कारण या जो योजना होती है उसके बजाय मौके पर जो आधारित होती है चीज़ें उसको क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी यानी कि मनमाना। नेक्स्ट 111। वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज। ऐसा मतलब कि ऐसा कोई जो ह्यूमंस की जो एंटिक्विटीज है यानी कि जो पुरातत्व है उनकी स्टडी करता हो तो उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विज्ञान। नेक्स्ट 112। ए पर्सन हु इज चूजन टू सेटल आर डिसएग्रीमेंट, अ पर्सन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू रिजोल्व अ डिस्प्यूट। एक
ऐसा व्यक्ति जो कि अगर किसी दो पार्टी के बीच में झगड़ा हो रहा है तो वे किसी एक ऐसे व्यक्ति को चूज़ करेंगे जो उनके बीच में जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व कर सके। तो जो बीच वाला पर्सन होगा जो उनका सेटल कराएगा उसको क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर यानी कि पंच। नेक्स्ट 113, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशंस ऑफ साइट। जो जैसे कि हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ से कुछ एक्सकेवेशंस मिले यानी कि कुछ पुरानी चीज़ें मिली, जो तो उनकी स्टडी जो की जाती है वो किस में की जाती है? आर्कियोलॉजी यानी कि जो उनकी जो पुरातत्व की स्टडी की जाती है उस स्टडी को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइसलैंड। एक वाटर बॉडी, एक ऐसी वाटर बॉडी जहाँ पे बहुत सारे आइसलैंड हो उसको क्या बोलते हैं? आर्किपेलागो। आर्किपेलागो यानी द्वीप समूह। नेक्स्ट 115, द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कैप्ट। एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के, सरकार के, या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको वहाँ पे सुरक्षित रखा जाए, तो उनको क्या बोलते हैं? आर्काइव्स, अभिलेखागार। आर्काइव्स, अभिलेखागार। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर फाइट्स टेक्स प्लेस। ऐसी जगह जहाँ पर जो फाइट्स हैं उनको कराया जाए, या एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ एक्टिविटी या डिबेट या कुछ कन्फ्लिक्ट है उनको कराया जाए उसको क्या बोलते हैं? एरेना। एरेना यानी कि अखाड़ा। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। तो जो रईसों द्वारा कोई सरकार होती है या जो उच्चतम जो सामाजिक व्यवस्था के व्यक्तियों के द्वारा कोई सरकार होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी यानी कि श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन। नेक्स्ट, अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड एंड ट्रेनिंग इज गिवन इन द यूज़ ऑफ आर्म्स। एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो मिलिट्री होती है उनके जो आर्म्स होते हैं, हथियार वगैरह होते हैं, उनको रखा जाता है और वहीं पे जो जिनसे ट्रेनिंग दी जाती है, जिन हथियारों से उनको स्टोर किया जाता है, ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? आर्सेनल। आर्सेनल यानी कि शस्त्रागार। शस्त्रागार। नेक्स्ट, अ पर्सन हु फिजिकली अटैक्ड अनदर। एक ऐसा व्यक्ति जो फिजिकल तरीके से किसी और के ऊपर अटैक कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? असेलेंट। असेलेंट यानी कि आक्रमणकारी। नेक्स्ट, टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट, एन आइडिया, अ सजेशन। अगर कोई किसी की रिक्वेस्ट पर, आइडिया पर, या सजेशन पर एग्री हो जाए, सहमति दे दे, तो उसको क्या बोलते हैं? एसेंट। उस सहमति को क्या बोलते हैं? एसेंट यानी कि स्वीकृति देना। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। एक ऐसी क्वालिटी कि मतलब कि अगर कोई, मतलब कि एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि अगर उसकी कोई डिमांड है वो उसको ऐसे रखता है बहुत ही पोलाइट तरीके से और वो अपनी डिमांड को मनवा भी लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? असर्टिव। असर्टिव, दबंग या हठधर्मी। नेक्स्ट, वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स। ऐसा कोई जो स्टार, जो तारे देखकर फ्यूचर बताता हो तो उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रैवल इन स्पेस। एक ऐसा व्यक्ति जिसको ट्रेन किया जाता है कि वो जो स्पेस है उसमें ट्रैवल कर सके, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनोट। एस्ट्रोनोट यानी कि अंतरिक्ष यात्री। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स एटसेट्रा। एक जो वैज्ञानिक जो स्टडी होती है, पढ़ाई होती है, जो सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी होती है? सन, मून, जो भी हमारे अंतरिक्ष में हैं वे सभी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, ठीक है? उनकी जो पढ़ाई होती है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र। नेक्स्ट 125, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजीज, अ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वर मेंटली इंक्लूड बी केयर्ड फॉर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक ऐसी जगह जहाँ पे रिफ्यूजीज को रखा जाए या कोई मेंटली पर्सन जो बीमार है उनकी केयर की जाए लंबे समय तक, तो उसको क्या बोलते हैं? असाइलम।
असाइलम यानी कि शरण स्थल या अस्पताल. नेक्स्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं, एथीस्ट. एथीस्ट यानी कि नास्तिक. थीस्ट क्या होता है, आस्तिक जो भगवान में विश्वास रखे, और अथीस्ट क्या होता है, नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो. नेक्स्ट, दैट कैन बी हेयर्ड क्लियरली, जो कि बहुत क्लियरली सुना जा सके उसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल यानी कि श्रवण योग्य. ऑडिबल श्रवण योग्य. नेक्स्ट, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ऐसा कोई जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता हो अकाउंट्स का, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उन सभी का, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटर. ऑडिटर यानी कि लेखा परीक्षक. नेक्स्ट, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर जो दर्शक है वो बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम. ऑडिटोरियम यानी कि सभागार. नेक्स्ट, मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे समथिंग दैट इज़ जेन्यून, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो वास्तविक में हों, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक. ऑथेंटिक यानी कि प्रमाणिक. एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय सेल्फ, मतलब कि किसी पर्सन ने अपनी लाइफ के बारे में खुद से लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा. नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, किसी देश की सरकार का वो सिस्टम जहाँ पे किसी एक पर्सन के हाथ में सारी पावर हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी यानी कि तानाशाही. तानाशाही. नेक्स्ट, द रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, एक ऐसा रूलर जिसके पास पूरी की पूरी पावर हो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेट. तानाशाह. ऑटोक्रेट तानाशाह. अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे स्वशासन हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी यानी कि स्वशासन. नेक्स्ट, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी बाय अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ, एक ऐसा ऑफिशियल अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, तो उसका ही सिनोनिम क्या होगा, ऑटोप्सी. तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है कि मरने के बाद जो डॉक्टर ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है कि डेथ का पता लगाने के लिए कि क्या कॉज रहा उसकी डेथ का, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम. तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, शव परीक्षण. नेक्स्ट, द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक ग्रुप या फिर कोई ऐसा कि जो स्पेशली आर्ट्स में एक्सपेरिमेंट करता हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हो, उसको क्या बोलते हैं, एवेंट-गार्डे, अपने क्षेत्र में अग्रणी. नेक्स्ट, इनस्टेबल डिज़ायरेबल फॉर वेल्थ, एक मतलब कि धन कमाने की असीम, मतलब कि इतनी ज़्यादा इच्छा कि उसको क्या बोलते हैं, एवराइज. एवराइज यानी कि लोभ. नेक्स्ट, हैविंग एन एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ, यहाँ पे एक लालसा धन कमाने की, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे धन कमाने की लालसा, उसको क्या बोलते हैं, एवरीशियस. एवरीशियस यानी कि वो क्या है, लालची है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो या धन हो, ठीक है. नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे जो पक्षी होते हैं उनको रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अवायरी. अवायरी यानी कि पक्षीशाल. पक्षीशाल. नेक्स्ट, किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों को मारने को क्या बोलते हैं, एविसाइड. एविसाइड पक्षियों को मारना. नेक्स्ट, कीन इंटरेस्ट और एंथ्यूसिज्म, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उत्सुकता है, उसके बारे में क्यूरियोसिटी है, तो उसको क्या बोलते हैं उस चीज़ को, एविडिटी. एविडिटी यानी कि उत्सुकता. नेक्स्ट, टू कीप अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से दूर रहना को क्या बोलेंगे, अवॉइड यानी कि दूर रहना. अवॉइड दूर रहना. नेक्स्ट, अ रूल प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, एक ऐसा रूल या एक ऐसा प्रिंसिपल जिसको मोस्ट ऑफ द पीपल क्या मानते हैं कि ये सही ही होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोइम. एक्सोइम यानी कि सिद्धांत. नेक्स्ट, अ पर्सन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जो
अनमैरिड हो, यानी कि जिसकी शादी ना हुई हो या उसने शादी की ना हो, तो उसको बोलते हैं बैचलर, अविवाहित, बैचलर, अविवाहित. नेक्स्ट, अ पर्सन हैविंग नो हेयर, यहाँ पे हेयर है, सॉरी हेयर नहीं है, HAIR, हेयर ऑन द स्कैल्प, यहाँ पे हेयर होगा, ठीक है, यानी कि अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन स्कैल्प, उसको क्या बोलेंगे, बल्ज, बल्ज यानी कि गंजा. नेक्स्ट, सेंसलेस टॉक और राइटिंग, यानी कि बेतुकी बातें या कुछ लिखना, बेतुका कुछ लिखना, उसको क्या बोलते हैं, बाल्डर डैश, बाल्डर डैश यानी कि बकवास एकदम. नेक्स्ट, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, एक ऐसा बहुत बड़ा लार्ज बंडल किसी चीज़ का, ताकि जिसको स्टोर करे या फिर उसको ट्रांसपोर्ट के लिए भेजे, तो उसको क्या बोलते हैं, बेल यानी गट्ठा, बेल गट्ठा. नेक्स्ट, पोएम इन शॉर्ट स्टैंजास नैरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, एक ऐसी कविता जिसको छोटे छोटे जो स्टैंजास होती है, पैराग्राफ्स होते हैं, तो उनमें वो लिखी जाए और वो एक पॉपुलर स्टोरी को बताएं उन स्टैंजास के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, बलाड, बलाड यानी कि गाथा गीत. नेक्स्ट, विदाउट इनफ मनी टू पे वॉट यू ओन, यानी कि अगर आपने कुछ, आपके पास कुछ है आपका खुद का, लेकिन आपके पास उसको, उसके लिए पे करने के लिए पैसे बचे ही नहीं, आपके खुद की चीज़ों के लिए आपके पास पे करने को पैसा ही ना बचा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट यानी कि वो दिवालिया हो गया. नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जा सके जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, बैरोमीटर, बैरोमीटर वायुदाब मापक. नेक्स्ट, प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, तो उसको क्या बोलते हैं, बैरक्स, बैरक्स यानी कि सैनिकों के लिए बने घर. वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड, एक लकड़ी का ड्रम जहाँ पे, जिसमें कि बियर या फिर तेल को स्टोर किया जाए, उसको क्या बोलते हैं, बैरल, बैरल यानी कि पीपा. नेक्स्ट, रिवील इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, एक ऐसी चीज जिसमें कि मजा आने लगे उसको करने में, तो उसको क्या बोलते हैं, बास्क, बास्क यानी कि मजा लेना. अ पर्सन हु इज़ फोंड ऑफ फाइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, बेलिकोस, बेलिकोस यानी कि लड़ाकू. नेक्स्ट, द साउंड मेड बाय क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ के द्वारा साउंड निकाली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, बेलो, बेलो यानी कि मगरमच्छ की आवाज़. नेक्स्ट, वन हु हेल्प पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड्स, ऐसा कोई जो दूसरे व्यक्तियों की सहायता करे पैसे देकर या कुछ और सुविधाएं देकर, तो उसको क्या बोलते हैं, बेनिफेक्टर, बेनिफेक्टर दान देने वाला. नेक्स्ट, अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ, मतलब कि एक तरह से बेनिफिट मिले किसी चीज़ के रिजल्ट आने से, तो उसको क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी. डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ से दुखी होना, तो उसको क्या बोलते हैं, बेरेप्ट, बेरेप्ट अभाव से दुखी, उसको कुछ चीज़ की कमी है उससे वो दुखी है, तो उसको क्या बोलेंगे, बेरेप्ट. नेक्स्ट, एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, वाटर के अलावा किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को क्या बोलते हैं, बेवरेज, बेवरेज यानी कि पेय पदार्थ, बेवरेज पेय पदार्थ. नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बॉयज बर्ड्स एटसेट्रा, एक लड़कियों के या बॉयज़ के या बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बीवी, बीवी यानी कि झुंड, झुंड. नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड टू इन अ स्कॉलरली वर्क, एक बुक्स की लिस्ट जो कि रेफर की जाती है, जो मतलब कि स्कॉलरली वर्क्स होते हैं उनके लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी यानी कि ग्रंथ सूची. नेक्स्ट, प्री ऑक्यूपेशन विद द एक्विजिशन एंड प्रोसेशन ऑफ बुक, किसी को मतलब कि बहुत ही ज़्यादा किताबों के लिए पागलपन है, तो उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोमैनिया, किताबों के लिए पागलपन होना. नेक्स्ट, वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ये ऐसा कोई जो किताबों के लिए बहुत प्यार रखता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल
यानी कि पुस्तकों के लिए, किसी के अगर कोई पुस्तक प्रेमी हो तो उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। फाइल मतलब होता है प्रेमी। ठीक है, नेक्स्ट 200th एनिवर्सरी, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइसेंटेनियल। बाइसेंटेनियल यानी कि 200 साल का। नेक्स्ट, हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, जो हर 2 साल में एक बार हो, उसको क्या बोलते हैं, बाइनियल। बाइनियल यानी कि द्विवार्षिक। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ इंटॉलरेंट टूवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब कि अलग अलग अपने ओपिनियंस रखता है, उसको क्या बोलेंगे, बायगॉट। यानी कि कट्टर व्यक्ति, दूसरे धर्मों के लिए या किसी जो सामने वाला है उससे वो अलग सोच रखता हो, उससे बिल्कुल डिफरेंट सोच रखता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, बायगॉट यानी कि कट्टर व्यक्ति। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 लैंग्वेज बोल सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायलिंगुअल यानी कि द्विभाषिक। बायलिंगुअल द्विभाषिक। नेक्स्ट, ट्वाइस अ मंथ, जो 1 महीने में 2 बार हो, उसको क्या बोलते हैं, बाय मंथली। बाय मंथली, द्विमासिक। द्विमासिक। नेक्स्ट, कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स स्पेशली बैक्टीरिया, ऐसा कुछ जो कि बैक्टीरियाओं के, जो मतलब कि बैक्टीरिया जिसको डिस्पोज कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल प्राकृतिक तरीके से संवेदनशील। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, किसी व्यक्ति की जो पर्सनल स्टोरी होती है, लाइफ स्टोरी, अगर वो किसी और के द्वारा लिखी जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बायोग्राफी यानी कि जीवनी। अगर किसी व्यक्ति की आत्मकथा खुद के द्वारा लिखी जाए तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, अगर वो किसी और के द्वारा लिखी जाए तो उसको बोलेंगे बायोग्राफी यानी कि जीवनी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ टिश्यूज़ फ्रॉम द बॉडी ऑफ समबडी हु इज़ इल एंड इट्स एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिजीज़, मतलब कि जो टिश्यूज़ होते हैं किसी की बॉडी से, उनको रिमूव करें जो कि बीमार हो, ताकि उनको जांचा जा सके कि उनकी जो बीमारी है उसका क्या कारण है, उसको क्या बोलेंगे, बायोप्सी। बायोप्सी यानी कि जीवित ऊतकों की जाँच। नेक्स्ट, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजअल, वो जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से डिफरेंट हो, मतलब कि विचित्र हो, उसको क्या बोलेंगे, बिजारे। बिजारे यानी कि विचित्र। नेक्स्ट, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिलीवेंट अबाउट सैक्रेड थिंग्स, यानी कि पवित्र चीज़ों के लिए उल्टा सीधा बोलना या भगवान के लिए गलत बोलना, उसको क्या बोलते हैं, ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी यानी कि ईश्वर की निंदा करना। नेक्स्ट, द क्राई ऑफ अ गोट, एक जो बकरी होती है उसके चिल्लाने को क्या बोलते हैं, ब्लीट। ब्लीट यानी कि मिमियाना। नेक्स्ट, अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, जो कि साउथ अफ्रीकन डिसेंट डच का कोई पर्सन है, उसको क्या बोलेंगे, बोर। बोर डच या डच वंशीय। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ लाइफ, उसको क्या बोलते हैं कि जो एक तरह से जो रूल्स होते हैं किसी भी चीज़ को जीने के लिए या फॉलो करने के लिए, किसी सोसाइटी में रहने के लिए जो कुछ हमारे रूल रेगुलेशंस होते हैं वो उनको फॉलो ना करें, तो उसको क्या बोलते हैं, बोहिमियन यानी कि रूढ़ी मुक्त। नेक्स्ट, सब्जेक्ट समवन टू अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चन क्रिटिसिज्म और इन्फॉर्मेशन, यानी कि लगातार किसी क्वेश्चंस का फ्लो करना या किसी चीज़ की क्रिटिसिज्म करना या किसी चीज़ के बारे में पूछते रहना लगातार, उसको क्या बोलते हैं, बॉम्बार्ड यानी कि बौछार कर देना उस चीज़ की। बॉम्बार्ड, बौछार कर देना। नेक्स्ट, यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विद लिटिल मीनिंग, यानी कि बहुत तेज आवाज में बट जो कुछ बोलना, कुछ वर्ड्स बोलना बट उन वर्ड्स का क्या होगा कि जो मीन्स होगा वो बहुत छोटा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉम्बैस्टिक। बॉम्बैस्टिक यानी कि बड़े बड़े शब्दों वाला। नेक्स्ट, डार्क डार्क वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स ग्रोन इन पॉट्स, तो उसको क्या बोलते हैं कि जो डार्क वेराइटी के ट्री हो या झाड़ियाँ हो, उनको पॉट्स में उगाने को क्या बोलते हैं, बॉन्साई। बॉन्साई यानी कि उतले बर्तन में उगी झाड़ी का किस्म। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी एडेड टू अ पर्सन्स वेजेस एज अ रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस,
एक मतलब कि एक ऐसा थोड़ा सा मनी का हिस्सा कि वो किसी पर्सन की जो सैलरी होती है उसमें एज अ रिवार्ड एज ए इनाम उसको दी जाए उसकी परफॉर्मेंस के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, बोनस, बोनस यानी कि अधिलाभ। नेक्स्ट, एंड एविड बुक रीडर, वन हु रीड्स अलॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबें बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा, बुक वॉर्म किताबी कीड़ा। नेक्स्ट, अ हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज बाय ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स, एक ऐसा वेपन जो कि मतलब कि यूज़ करने के बाद वापस उसी इंसान के पास आ जाए जिसने उसको यूज़ किया था, तो उसको क्या बोलेंगे, बूमेरेंग, बूमेरेंग एक किस्म का मोड़ा हुआ बाण जो फेंकने वाले के पास लौट आता है। ठीक, नेक्स्ट, टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, कुछ ऐसी चीज़ जो लोन पे ले लेकिन उस लोन को चुकाने की इंटेंशन हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बोरो यानी कि उधार लेना, उधार लेना। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, जो पेड़ पौधों की जो लाइफ के ऊपर स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, बॉटनी, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट, अ नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफन गेट स्लोअर और स्टॉप्स, तो एक सड़क का वो पतला हिस्सा जहाँ पे मोस्टली जो ट्रैफिक होता है वो लग ही जाता है तो जाम हो जाता है वहाँ पे वो रोड, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो ट्रैफिक होता है वो बहुत ज़्यादा धीरे हो जाता है या फिर बिल्कुल वहाँ पे जाम लग जाता है, तो ऐसे चीज ऐसे हिस्से को क्या बोलते हैं, बॉटल नेक, बॉटल नेक यानी कि संकीर्ण भाग। नेक्स्ट, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, सड़क के जो चारों तरफ दोनों तरफ या बीच में भी पेड़ लगे रहते हैं ना उसके बॉर्डर पर, तो उसको क्या बोलते हैं, बुलेवर्ड, बुलेवर्ड यानी कि मुख्य मार्ग। नेक्स्ट, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स विद दैट इज़ यूजली गिवन एज अ प्रेजेंट, तो उसको क्या बोलता है, बुके, बुके यानी कि गुलदस्ता। नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बर्जीज, बर्जीज यानी कि मध्य वर्ग। नेक्स्ट, अ शॉप दैट सेल्स वीमेंस क्लोथ्स एंड ज्वेलरीज, एक ऐसी दुकान जहाँ पे जो औरतों के कपड़े मिले या उनकी ज्वेलरी मिले उसको क्या बोलेंगे, बुटीक, बुटीक महिलाओं का वस्त्रालय। नेक्स्ट, अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउस पर्टेनिंग टू कैटल्स, ऐसे जो कि गायों से रिलेटेड हो या फिर जो पशु वगैरह हो उनको डिनोट करे तो उसको क्या बोलते हैं, बोवियन, बोवियन बोवाइन, सॉरी बोवाइन यानी कि गो जाती है, बोवाइन गो जाती है। अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, जो पेड़ों के नीचे जो छायादार जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, बोवर, बोवर पेड़ों के नीचे का छायादार स्थान। नेक्स्ट, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ, एक ऐसा एक्ट जिसमें कि कोई उसको तोड़ दे या उसको ना माने तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रीच यानी कि नियम तोड़ना। नेक्स्ट, अ फैक्ट्री वेयर बियर्स इज मेड, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रीवरी, जहाँ पे बियर बनाई जाए उसको बोलेंगे ब्रीवरी, शराब की भट्टी। नेक्स्ट, लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड द हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट, जो घोड़ा होता है उसके जो हेड के चारों तरफ जो लेदर की स्ट्रैप होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रिडल, ब्रिडल यानी कि लगाम। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रोबर्स, यानी कि जो मेंबर होते हैं किसी, उसको ग्रुप भी बोल देते हैं, यहाँ पे ग्रुप भी कह सकते हैं कि जो चोरी करने वालों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलता है, ब्रिगेड, ब्रिगेड यानी कि डाकू। नेक्स्ट, हार्ड बट ईजिली ब्रोकन, लाइबल टू ब्रेक ईजिली, ऐसा जो कि हार्ड हो, सख्त हो लेकिन उसको आसानी से तोड़ा जा सके तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिल, ब्रिटिल यानी कि भंगुर। नेक्स्ट, द यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, किसी मतलब कि जो एनिमल का, पशु का जो जवान बच्चा हो जिसकी केयर की जा रही हो या फैमिली का, किसी फैमिली का, बर्ड्स की फैमिली का जो जवान बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्रूड, किसी जीव का बच्चा, ब्रूड किसी जीव का बच्चा। नेक्स्ट, अ वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर, एक औरत जिसके कि काले लंबे बाल हो, घने बाल हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रूनेट, ब्रूनेट काले बाल वाली स्त्री। लास्ट लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ऑफ दिस वीडियो इज एन आइटमाइज समरी ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर अ गिवन पीरियड अलोंग विद प्रपोजल फॉर फाइनेंसिंग देम,
मतलब कि जो हमारा खर्चा वगैरह हो या हमारे रिवेन्यू वगैरह हो, उन सभी का एस्टीमेट लगा के एक तरह से एक बजट तैयार करना, उसको क्या बोलते हैं, बजटिंग। बजटिंग यानी कि बजट। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आज हमने जो है 101 से 200 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी। जो भी मिस्टेक्स आई है वर्ड्स की, आपको PDF में सही करके मिल जाएगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ब्लैक बुक की सीरीज़ को फॉलो करने के लिए बने रहे लेट्स लर्न इंग्लिश पर।